हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुजाता फूडीज में स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं अप्पे, और इसमें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी आइए मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इसमें जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे हमने लिया है एक कटोरी सूजी, एक कटोरी दही, थोड़ा सा हरा धनिया, एक कटोरी टमाटर, ये थोड़ा ऐसे हरी मिर्च, और ये मैंने कैप्सिकम लिया है दो, और ये दो प्याज जिसे मैंने अच्छे से काट लिया है। अब इन सभी चीज़ों को दोस्तों हमें एक बाउल में डाल के मिक्स करना है। सबसे पहले हम ये सूजी को बाउल में डाल देंगे। इसके साथ ही हम जो ये दही लिए हैं इसे भी इसमें डाल देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर डाल देंगे, प्याज, कैप्सिकम, ये हरी मिर्च और ये धनिया, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। अब मैं यहाँ पे एक चम्मच से करीब नमक डाल दूंगी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दोस्तों यहाँ पे हमें और थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, हमारा बैटर बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा सूजी जो अच्छे से फूल जाए। दोस्तों अब हमारा बैटर अप्पे बनाने के लिए रेडी हो चुका है। हमने यहाँ पे अप्पे सांचा को गैस पे चढ़ा दिया है, ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सब में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे। दोस्तों अब हम सभी में थोड़ा थोड़ा से ये दही डाल देंगे। दोस्तों अब हम इसे ढक देंगे। तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। मैंने इसे 5 से 7 मिनट पका लिया। देखिए दोस्तों, हमारा अप्पे बहुत ही अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम इसे ऐसे पलट देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा अप्पे है वो अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमारा अप्पे बन के रेडी हो चुका है। दोस्तों अब हम चटनी की तैयारी करेंगे, तो आइए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चटनी में यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने एक कटोरी टमाटर, एक प्याज, थोड़ी सी लहसुन और ये सूखी लाल मिर्च लिया है दोस्तों। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको। दोस्तों मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म करने को चढ़ा दिया था, और इसमें मैंने तेल डाल दिया है। अब इसमें मैं एक चम्मच से करीब ये जीरा डाल दूंगी। ये प्याज डाल दूंगी, लहसुन डाल दूंगी, सूखी लाल मिर्च, ये
ब्राउन होने तक फ्राई करना है। दोस्तों आप किस तरह से चटनी बनाएंगे तो इसका फ्लेवर और इसकी जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। दोस्तों अब मैं ये टमाटर भी डाल दूँगी। ये देखिए दोस्तों हमने अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए इसका कलर कितना मस्त लग रहा है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये चटनी। ये देखिए दोस्तों हमने सर्व करने के लिए निकाल लिया है। दोस्तों आपको मेरी अप्पे की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।